आप देख रहे हैं बिट न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेवाग सच के साथ। अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का माहौल चल रहा है और प्रखंड क्षेत्र बछवाड़ा में 10वें चरण का मतदान 8 दिसंबर को होगा। जैसे जैसे दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों में बेचैनी सी बढ़ती जा रही है। साथ ही प्रत्याशी अपनी ताकत पूरी तरह झोंक चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में 6 पदों पर चुनाव चल रहा है। जिला परिषद, वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया, सरपंच एवं पंचायत समिति, और यह मतदान 8 दिसंबर को होगा और साथ ही 10 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। हम प्रखंड क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में जा रहे हैं और प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं कि आखिरकार वह किस उद्देश्य से चुनावी मैदान में है और आखिरकार उन्हें सफलता मिलती है तो वह इस पंचायत में क्या विकास कार्य करेंगे। आज हमारे साथ एक प्रत्याशी जुड़ चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार चुनावी मैदान में आपका आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम मीट न्यूज बिहार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जी, आप लोगों को भी धन्यवाद। आप किस उद्देश्य से चुनावी मैदान में आए हैं? देखिए, हमारी चुनावी मैदान आने का जो है, हमारा राजनीतिक परिवेश पारिवारिक परिवेश में हुआ है। जो हमारे पिताजी जेपी लोहिया कर्पूरी जी के साथ 74 के आंदोलन के उपस्थित थे और माननीय कर्पूरी जी के साथ, माननीय लालू जी के साथ राजनीति करते हुए 2010 में गुजर गए। उसके बाद जो है हम राजनीतिक में प्रवेश किए हैं और उनकी जो सोच थी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उसको जो अधूरा जो छोड़ के गए हैं, उनके सपना को पूरा करने के लिए हम राजनीतिक में आए हैं और उनको सपना पूरा करेंगे। चाहे परिस्थिति जो हो, हम जनता को जगा के उनके अधिकार को, वोट के महत्व को बताते हुए उनके विकास, सम्मान और अधिकार के लिए हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। यानी आपका कहना है कि हम अपने पिताजी के सपनों को साकार करने के लिए राजनीतिक जीवन में आए हुए हैं। इससे पूर्व कभी क्या आप चुनावी मैदान में आए थे? जी जी, इसके पूर्व हम 16 में चुनावी मैदान में थे। कहीं न कहीं हम जनता के विश्वास पर खड़ा, जनता को विश्वास हम नहीं दिला पाए, जनता को नहीं समझा पाए, समय कम दिए, जिसके कारण जनता हमको नहीं समझ पाई। इसके लेके फिर भी बहुत कम अंतर से हम डिफीट किए। विपक्षी जितने भी थे, सभी लोगों ने मैंने धन को, दारू को, पैसा को बंटवारा किया। लेकिन मैं आज तक इस पर एक भी रुपया मैंने खर्चा नहीं किया है। हाँ, मैं खर्चा करता हूँ, लोगों को सहयोग करता हूँ। जो परिस्थिति में रहते हैं, बीमारी हो, लाचार व्यवस्था में हो, अवस्था में हो, या आपदा के रूप में हो, या एक्सीडेंटल रूप में हो, वहाँ हम मान के चले जहाँ तक होती है हमारी क्षमता, उनको धन के रूप में भी सहयोग करते आ रहे हैं और जहाँ होता है, सदर अस्पताल हो, चाहे निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल हो, चाहे निजी अस्पताल हो, वहाँ हम अपने पहचान देके या अपना जो है आधार बना के उनको जो है सहयोग करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि वर्ष 2016 में हम कम अंतराल से हमें हार का सामना करना पड़ा, करीबन कितने मत आपको आए थे वर्ष 2016 में? देखिए, 976 वोट हमको आया था 2010 में, और कम वोटों से ही हम हारे थे। यानी 2016 में आपको 976 मत आया, कितने मत से आपकी हार हुई थी? देखिए, एग्जैक्ट जो है लगभग जो है हम 125 वोट से हम जीते किए थे। 125 वोट से आपकी हार हुई थी। आपकी आखिरकार हार का क्या कारण था उस वक्त? देखिए, हार का कारण जो है, जो हम बोले ना, पहले ही हम बोल चुके हैं, जो हम समय कम दे पाए। हम विधानसभा के प्रत्याशी के दौर में भी रहे हैं, माननीय लालू जी हमारे यहाँ आए हुए हैं, उनसे जो पापा जी का संबंध था और उसको हम आगे बढ़ाते हुए अभी वर्तमान में
पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और उस समय हम प्रत्याशी के दौर में थे जिससे कम जनता में पंचायत में हम समय दे पाए, लेकिन इस बार पूर्ण रूप से समय दे रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं जनता के बीच में और उनको विश्वास हम पर हो रहा है। और उनको खास करके वोट का महत्व क्या है, क्या अधिकार है, ये बहुत कम जनप्रतिनिधि समझा पा रहे हैं। हमको शायद लगता है जो पहला व्यक्ति हैं जो हम जनता को उनके अधिकार, विकास और सम्मान के बारे में चर्चा करते हैं और उनके विश्वास के आधार पर हम जनता का प्रतिनिधित्व करना चाह रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ जो है हम जनता में बीच में जा रहे हैं और उनको जगा रहे हैं। अभी आप चुनावी मैदान में हैं और क्या यदि चुनावी मैदान में आपको सफलता मिलती है तो क्या आप मतदाताओं के विश्वास पर खड़े उतर पाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से ये हमारी सोच है, हमारी विचारधारा है। मुखिया बनना ही मेरी मुख्य मकसद नहीं है। मुखिया बनने के लिए तो हर लोग मान के चलिए किसी न किसी पर कदम उठाते हैं कई तरह का, लेकिन आप जनता के बीच में जाइए। प्रभात कुमार पिछले बार हार गया, फिर भी हम जनता के दिल से नहीं हारे थे, पद से हारे थे। तो पद और मैंने पद और विश्वास और सम्मान, ये दोनों दो चीज है। पद तो कोई भी आदमी किसी तरह से आता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है जो जीत गया। लोग जीत के भी हारते हैं और हार के भी जीते। हम हार के भी जीते हुए थे और अभी भी हैं, जीते हुए ही हैं उनके विश्वास पर, उसमें कहीं कमी नहीं है। और जनता का जो विश्वास है हम पर वह बना हुआ है, इसलिए कि जब पानी, जब बरसात का समय आप जीवीएस देखे हैं जो पानी पूरे तबाह था पंचायत के लोग, और पानी निकासी के लिए जो है जब वर्तमान जो है मुखिया जी वह कहीं कार्य नहीं कर रहे थे, उसमें हमने जहां क्षेत्र भ्रमण करके उनकी समस्याओं को, पानी की समस्याओं को माननीय पंचायती राज मंत्री से बात करके पहल करवाए और कहीं कुछ जगह निकासी भी पानी को करवाया गया जो आपदा के राहत हुआ। यदि अगर आपको चिरिदीपुर पंचायत से सफलता मिलती है तो आपकी ओर से प्रथम प्राथमिकता इस पंचायत के मतदाताओं एवं आम आवाम के लिए क्या होगी? देखिए, पहली प्राथमिकता तो होगा जो प्रीवियस जो पानी से हम जो झेले हैं, हमारी जनता जो झेली है, हमारे समाज के लोग, उसको पानी का निकासी करेंगे। जो लोहरसार से चंद्रपुर पंचायत की अंतिम सीमा लोहरसार पड़ता है, जो फतिया सीमा से सटा हुआ है, वहाँ से लेकर सुल्ताना पुल तक क्या कहते हैं नाली का निर्माण करवाएंगे, पहला उद्देश्य है जिससे पानी का निकासी हो सके। दूसरा है उद्देश्य जो स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे यहाँ NH-28 के बगल में है, जो जीर्ण अवस्था में है, हमने उसको प्रीवियस में 20,000 निर्माण के लिए और ट्रामा सेंटर के निर्माण के लिए जो है ग्रामीण विकास विभाग में दिया था लेटर, जिस पर प्रगति क्या रिपोर्ट आया था, लेकिन बीच में शिथिलता के कारण उस पर प्रगति नहीं हो पाई। हम उसको पूरा करेंगे जिससे एक्सीडेंटल मामला हो या अन्य गंभीर बीमारी का भी जो इलाज हमारे पंचायत में होगा। तीसरा, शिक्षा की जो बात है, शिक्षा जो है अभी जो मान के चलिए कि जो हम घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, जो किस परिवार में कितना छूटे हुए हैं बच्चा नहीं जा रहे हैं स्कूल, क्या जरूरत है उनके भविष्य के लिए, बच्चा के लिए, उसको पूर्ति करने के लिए उस पर हम पहल कर रहे हैं, उसके लिए हम कार्य भी किए हैं। पूरे बिहार में जो स्किल डेवलपमेंट मिशन चल रहा है उसके तहत जो हमने डोमेन स्केलिंग के तहत डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है कंप्यूटर शिक्षण आरंभ अपने पंचायत में अपने देख रेख में करवा रहे हैं, जो बच्चे को जो है भविष्य का निर्माण होगा। चौथा जो है यहाँ क्या कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र, जमीन के क्षेत्र में जो है हमारे यहाँ जो है पंचायत में लगभग 150 बीघा गैर मजरुआ जमीन है और खास करके चेंजीपुर राजस्व ग्राम में ही 96 बीघा गैर मजरुआ जमीन है, जिस पर हम मजबूती से सरकार से पहल करके जनता के बीच में जिनको बसने का जगह नहीं है उनको हम दिलवाने का काम करेंगे। साथ ही खेल परिसर हो, ITI कॉलेज हो, पारा मेडिकल कॉलेज हो,
ये सब जो है हम उस जमीन में सरकार के द्वारा जनता के लिए जो शहर में व्यवस्था है वो हम व्यवस्था पंचायत में लाएंगे। एक मॉडल पंचायत, एक आधुनिक पंचायत का निर्माण करने का हम प्रयास करेंगे। जनता अगर हमको क्या कहते हैं मुखिया अगर बनाती है तो। ये जो आप बात कह रहे हैं यह बात कहीं ना कहीं चुनावी वादा तो नहीं है? नहीं नहीं, ये चुनावी वादा नहीं है। हम तो कहेंगे जिस समय में मुखिया नहीं था उस समय हमने सुल्ताना पुल से लेके सलेमपुर घाट तक 500 सड़क निर्माण के लिए पहल किया था, क्या कहते हैं हाई स्कूल का पहल किया था, पंचायत सरकार भवन का पहल किया था, और क्या कहते हैं 20,000 बेड का पहल किया था, जिसमें पंचायत सरकार भवन बन गया, हाई स्कूल भी बन गई हमारे यहाँ, और सुल्ताना से लेके कुछ दूरी तक लगभग 400 मीटर में जो है बांध मैंने सड़क निर्माण भी हो गया है, जो तो आगे उस पर हमको कार्य करना। आपका पंचायत बलान नदी के किनारे बिल्कुल समीप कटा हुआ है, इसको लेकर एक आपकी क्या सोच रहे हैं कि हर एक साल जब बाढ़ जैसी आपदा आती है यहाँ के लोग त्राही माम में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए आपकी क्या सोच होगी? देखिए पानी की जो जब बाढ़ आएगी, अगर ओवर फ्लो होता है स्वाभाविक है वह बाढ़ आएगी। हाँ पानी जो है मान के चलिए जो कम सीमा में है, जो लाल रेखा जो होती है उसके अंदर है, तो उससे बाहर जो पानी हमारे गांव में जो फैलती है उसको जो है घर के बगल जो पानी निकलता है उसका निकासी करवा के जो है उसको बलान नदी में जोड़ेंगे और वहाँ जो है क्या कहते हैं पंचायत से मुखिया प्रत्याशी प्रभात कुमार, आपने इनकी बातों को सुना। हालांकि अभी चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी दौर में प्रत्याशी तो आपको अनेक वादे करेंगे, लेकिन आप सम्मानित मतदाता आपको चयन करना है कि हम कैसे प्रत्याशी का चयन करें जो हमारे पंचायत को आदर्श पंचायत बनाए। मैं आपको बता दूं कि बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र का इकलौता पंचायत जिस पंचायत में हम बैठे हुए हैं वह चिरंजीवपुर पंचायत, जिस एक समय हुआ करता था कि यह पंचायत आदर्श पंचायत के रूप में भी हुआ है। इस पंचायत के मुखिया हुआ करते थे भोला शर्मा और यह पंचायत आदर्श पंचायत के रूप में था। वहीं जब उनके कार्यकाल की समाप्ति के उपरांत दोबारा इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनने का मौका नहीं मिला, हम उस बात पर भी इनसे चर्चा करेंगे। आपका जो पंचायत है एक वक्त हुआ करता था यह पंचायत आदर्श पंचायत के रूप में हुआ था, इस संबंध में आपका क्या कहना होगा? देखिए आदर्श पंचायत हमारा 11 तक था, उसमें कहीं दो राय नहीं है, आप पता कर लीजिए। 11 के बाद क्योंकि 11 तक हमारी माँ मुखिया रूप में रही थी, उसके बाद जो जनप्रतिनिधि बने उनका व्यवहारिक स्वकुशल नहीं रहा पंचायत के प्रति, और वह एक तरह से अपराधी प्रवृत्ति के, इसमें कहीं कहने में दुराय नहीं है, लेकिन जनता कहीं परिस्थिति बस या मान के चलिए कि जो गुमराह में जनता ने उनको प्रतिनिधि बनाया, उनकी पत्नी को बनाया, तो वह जो है उनका कार्यकाल या जनता से पूछने का है, जो कहीं भी 10 साल उनका प्रतिनिधित्व रहा, आप देख लीजिए अनुसूचित क्षेत्र हो, पिछड़ा वर्ग क्षेत्र हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग क्षेत्र हो, जिसमें वार्ड नंबर 1 का क्षेत्र हो, चाहे 2 का क्षेत्र हो, वार्ड नंबर 3 का हो उस जगह, वार्ड नंबर 4 का, 5 का, वार्ड नंबर 6 का, वार्ड नंबर 7 का, वार्ड नंबर 10 का, वार्ड नंबर 9 का, वार्ड नंबर 13 का, वार्ड नंबर 8 का जो है स्थिति जो है जहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा और अनुसूचित क्षेत्र था, अल्पसंख्यक क्षेत्र था, आज भी पगडंडी है। जिस समय माँ मुखिया थी हमारी उस समय हमने कुछ कार्य किया था, उसके बाद नया में कोई कार्य नहीं हुआ, आज वहाँ आज भी पगडंडी है। तो इस बात को मान के चलिए कि जो वह इस बात को तो वर्तमान मुखिया से पूछिएगा यह हालत क्यों है, हम हारे, लेकिन मान के प्रभात कुमार हारा, प्रभात कुमार ही नहीं, प्रभात कुमार हारने का मतलब है जनता हारी,
क्योंकि हमारी सोच राजनीतिक स्वरूप है, राजनीतिक सामाजिक राजनीतिक कहना और करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लोग अभी जनप्रतिनिधि कमाने के लिए बनते हैं। प्रभात कुमार आज तक चुनाव में कभी भी 50,000 से प्लस खर्चा नहीं किया, फिर भी 1,000 जनता लगभग हमको सम्मान देती आ रही है और इस बार हम पूर्ण समय दे रहे हैं। जनता को विश्वास है कि वह हमको इस बार सम्मान अपना देगी, इसमें कहीं संशय नहीं है। आपकी माँ भी इस पंचायत की मुखिया रही है? जी हाँ, हमारी माँ भी नीतीश कुमारी जो है पूर्ण मुखिया रही थी। आप इस पंचायत के सम्मानित मतदाताओं के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सम्मानित मतदाताओं को संदेश हम यही देना चाहेंगे, जो जितने भी हमारे पंचायत के जनता मालिक हैं, जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, जिनकी आवाज़ बंद है, हम उनको सम्मान, अधिकार और विकास के लिए जो कुर्बानी करना पड़ेगा, प्रभात कुमार उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है और उनके विकास को जिस रूप में होगा वह अंतिम पायदान तक पहुंचा के रहेगा। तो अभी हम मौजूद हैं चिरंजीवपुर पंचायत में और हमारे साथ मौजूद थे चिरंजीवपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी प्रभात कुमार। यह वर्ष 2016 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। पुनः वर्ष 2021 त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में भी यह मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना है कि 8 दिसंबर को जो मतदान होगा, क्या मतदान इनके हित में होता है और फिर जब 10 दिसंबर को रिजल्ट आता है तो वह रिजल्ट इस पंचायत की क्या नई दिशा दे पाती है, या फिर जो निवर्तमान मुखिया है या फिर वह इस बार विजयी हो पाते हैं। मैं आपको चिरंजीवपुर पंचायत की एक एक भौतिक स्थिति से लगातार अवगत कराता रहूंगा और दिखाऊंगा कि आखिरकार प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में क्या विकास की गंगा कितने हद तक बही है या सिर्फ कागज के पन्नों पर ही सीमित रहा है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए बिहार। कैमरामैन रोहित कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।